सोचा था ब्लॉगिंग करने चाहेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया था हमें आज, बहुत एक अच्छे से ब्यूटीफुल पार्क जाना था, देन उसके आसपास के काफ़ी अच्छे स्टॉल है जहाँ पे फूड वगैरह है काफ़ी कुछ, तो वहाँ शूट करना था, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब इस बारिश में अब बादल भी गरज रहा है और सब लोग अपने अपने घर अंदर, तो अब ब्लॉगिंग करना कैंसिल, कहीं जाना कैंसिल, और आज मेरा फास्ट भी है, तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं और खाते हैं। कि सामने से आ रहे वो लकड़ी लेके, कभी मुझे इनको देख के कुछ वो बहुत पुरानी बातें याद आ जाती है, इस तरीके से लकड़ियाँ सर पे लेके आना। 18 की नहीं 17 की, एक उनने खुद में बोला था छोड़ना, कुछ बहस हो रही उनके बीच में, एक छोड़ दे। तो अभी ब्लॉगिंग का तो नहीं पता, लेकिन साइकिल लेके ग्राउंड लगा के तो आया जा सकता है, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इनको साफ करवाना था मेरा, इनको ठीक है। मैं सोच रही हूँ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर आती हूँ, थोड़ा सा भी बारिश में अच्छा ही लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। बट हमारे घर में एक है जो इतने बारिश में, क्या थोड़ी सी बारिश में भी कहीं पे भी नहीं जाएगी मेरे साथ में, और तेज़ हो गई है, अब हमें जाना चाहिए अंदर। तो आज की ब्लॉगिंग हमारी कैंसिल है क्योंकि बारिश होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैं ये गीला हो चुका है। अब हम लोग बढ़िया से लेमन टी बनाते हैं। लेमन टी बनाने के लिए मैंने कुछ करके रखे है घर में, ये लेमन ग्रास है, और लेमन लीफ, इससे हम बनाएंगे लेमन टी। ओ ओ ओ बाबा जी, ये देखिए ये लेमन के पत्ते हैं, हम बनाएंगे अब लेमन टी। ओह दरवाजा तो बंद करना ही भूल गई मैं, बरसात में एक बिल्ली आ गई थी चली गई। अब तो चलिए अब हम लेमन टी पीते हैं, और बारिश बहुत तेज अब होने लग गई है, तो आज का बाहर जाना कैंसिल, घर पे ही कुछ करते हैं। लाइट चालू कर दूँ, सारे बंद हैं। हाँ, एक मेरे हाथ में लेमन ग्रास और लेमन टी देख के खुश हो गई, क्योंकि उसको मालूम है कि अरे इधर तो पूरा ही अंधेरा है। एक मिनट, यहाँ इतनी बारिश जिस दिन हुई थी उस दिन के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट मार रहा था, तो मैं इससे बटन से चालू करती हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन बहुत ज़ोर से करंट खाया था, तब से मैं इसका सहारा लेती हूँ, बिल्कुल भी हाथ से नहीं करती हूँ। तो देखिए अब हम बढ़िया से बनाते हैं लेमन टी, और एक जो मन मुस्कुरा रही जिसको पता था कि आज जाना है ब्लॉगिंग करने, बट वो ऐसी सोई पड़ी है। लेमन टी पीना, शी इज बिग यस, बिग यस, क्योंकि वो क्या है, बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे अब, कहाँ तो जाने वाली थी ना शाम को वहाँ पे पार्क में, वहाँ पे चले इतने बारिश में। ये इसने बिल्कुल ना बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है बारिश की दुश्मन है। ताज जाना कैंसिल, और मैं बनाती हूँ लेमन टी, जिसके लिए हमें चाहिए लेमन ग्रास, लेमन लीफ, और वन मिनट जो हमारा मेन है लेमन, ये तीनों चीज़ हमें चाहिए हमारे लेमन टी के लिए। तो फिर हम रेडी करते हैं, पीते हैं, और फिर देखते हैं, मूड बना तो हो सकता है नाइट में चले जाए, कोई भरोसा नहीं मेरा, मैं कभी भी जा सकती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, एंड व्हाट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, थैंक यू। आज आपको लेमन टी बनाना ही सिखा देती हूँ मैं, बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जिनको मेरे हाथ की लेमन टी पसंद है, बट अब मेरे आसपास नहीं रहते हैं, तो मैं वो वीडियो देखेंगे तो वो सीख जाएंगे पीना खुद से बना के। ये हमने डाल दिया, एक तो अभी मुझे कैमरा सेट करके फिर कैमरा लगाती, मुझे बहुत आलसी आ रही थी, अभी कैमरा होल्ड करूं क्या करूं। लेमन ग्रास है, इसको थोड़ा तोड़ना था बट मुझसे बन नहीं रहा था अभी, ठीक है। गिर जा नीचे रे, और इसमें हम डालेंगे बिल्कुल, ये हमारा ग्रीन टी विथ नॉर्मल टी मिक्स है,
और बस इसी पे डिपेंड करता है इसका टेस्ट। इसको आपको बिल्कुल दो चुटकी डालना है, दो चुटकी मतलब दो चुटकी, ज़्यादा डाल देंगे तो कड़वा हो जाएगा। देखो कितने अच्छे से पक रहा है, वाह ग्रीन टी शाबाश। अब शक्कर का डब्बा कैसे खोलूँ, रुको एक मिनट। इसका चम्मच किधर गया रे, इसका चम्मच उड़ा लिया होगी टिया ने। हमारे घर में टिया है वो इसी के चम्मच लेते हैं और इसी से मिक्स करके फिर उसको डेली का डेली मुझे नया चम्मच डालना पड़ता है। इसमें हम डालेंगे शुगर, इसमें आप देसी खांड भी डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। हाँ मेरे पास में देसी खांड मिश्री दोनों ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, जो कि बिल्कुल नहीं डालना चाहिए पर मैं डाल रही हूँ। ठीक है टन टन, अब इसमें इसकी खुशबू भी आ जाए। तो बस ये हो चुका हमारी चाय, और जब गैस बंद करने के बाद आपको इसमें लेमन डालना है, उसके बाद देखिएगा जादू, इसका कलर पूरा क्लीन हो जाएगा। एंड देन हो गया ये बिल्कुल कांच की तरह क्लीन। हाँ गर्म, अरे कोई बात नहीं, मुझे आदत है देसी तरीका। अपने ही शर्ट से पकड़ो और फिर छान लो, ये देखिए इस तरीके से। मैं इसका आपको कलर दिखाऊंगी कि पहले कैसा कलर था फिर अब कैसे कलर हो गया है, देखिए। वाओ, यस ऑफ कोर्स, वाओ। इसको पीने से हो जाएगा, मुझे जो अभी हेडेक हो रहा है वो सारा ख़त्म। और हाँ मेरे कमरे में धुआं धुआं हो गया, ये ज़्यादा वाली मैं लूँगी, कम वाली उसको दूँगी। तो देखिए आप हमारा लेमन टी तैयार हो गया है, और अगर कोई गेस्ट आए तो इसको कट करके आप यहाँ पे लगा के बढ़िया से डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई गेस्ट नहीं, हमें पीना है तो फटाक से हम पी लेते हैं। तो शानदार ग्रीन टी जिसको पीने के बाद मन और सर सारे हो जाएंगे तरोताज़ा। दूध के बदले आप ये चाय पिया करिए, इससे सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ओके आई होप सो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक तो हमारी बारिश ने आज पूरा प्रोग्राम ख़राब कर दिया है, वैसे भी मेरा उपास से भी खाना भी बनाना है मुझे, तो ठीक है कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए हम लेते हैं ग्रीन टी का आनंद और आप देख कर लीजिए आनंद। यही तो हमें जाना ही था, और टिम 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 बारिश हो रही है, तो सोचा चलो अब सब्जी लेके आते हैं वॉक करते हुए। लेमन टी हमने पी ली है, अब पता है मुझे ऐसा लगा मैंने सारे वीडियो में उसको ग्रीन टी बोला है, पता नहीं अब चेक करूँगी मैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं लेमन टी बना रही थी, मैं ग्रीन टी बोल दी शायद एक दो बार। कहाँ चले, पहले सब्जी लेने चले, पहले घूमने चले, लेके घूमेंगे क्या। तो हम लोग अभी यहाँ से, ये आप देख रहे हो पूरा, हम लोग दो तीन राउंड लगाएंगे और उसके बाद में सब्जी लेते हुए घर। बाइक आ रही, इधर आ जाऊँ। ये हमें लगा था बहुत तेज़ बारिश होगी, बट इतनी तेज़ बारिश हुई नहीं, तो अब घूम लेते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश है शाम से ही। ये वाला भी बंद हो गया रेस्टोरेंट, है ना, ठीक है तो फिर हम घूमते हैं। कितने सारे आंवले लगे पर ये हमें तोड़ते नहीं मरेगा। उसमें पानी की बूंदें तक दिखाई दे रही है, ये ट्राई कर रही है कि इसको एक तोड़ने को मिले। वाओ चल, उससे पहले कि इसका जो मालिक है ना वो आके मारेगा हमें, भाग मारेगा वो, उसको कम पड़ रहे थे तो तोड़ते भी तो नहीं आएगा, वो डंडा लेके आएंगे अपन कल तो तोड़ के लेके जाएंगे। ये देखो आप, ये हमने लाई है सब्जी, और बारिश में अगर ये ना खाए तो क्या खाए दिखा, ये है गरम गरम। पर मैं मूंगफली एक छिलका लेके गई थी, सब्जी वाली ने मेरे पास से लेके खा लिया, और ऐसे भी मूंगफली वाले के पास का मूंगफली बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, वो हमको देख के ऐसे भी खड़ा हो गया था कि पक्का लेने आ रही होगी। तो चलिए अब हम घर जाते हैं, और काफ़ी भीग चुके हैं, और मैंने आपको दिखाया था हमें बहुत बढ़िया आंवला दिखे थे जिसको हम लोग कल जाके पक्का ही तोड़ेंगे, है ना मेरा सुबह मेरा टारगेट हो गया है। ठीक है बहुत बड़ी, तो हम लोग ने बहुत देर तक वॉक कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर, और अब जाके बढ़िया सा कुछ खाना बनाएंगे और फिर खाएंगे और एक बढ़िया सी मूवी देखेंगे। अच्छा है, टेस्टी है, अकेले अकेले खा रही है ना, लाइक